हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल लवर। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज मैं आप सभी के साथ हल्दी मेकअप लुक के साथ मिल रही हूँ, जो हैशटैग वेडिंग सीरीज लाइफस्टाइल लवर स्पेशल है। और यहाँ से मेरा मेकअप लुक स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट मेरा मेकअप लुक है हल्दी मेकअप लुक। तो जो होने वाली ब्राइड है उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर वो बिगनर्स भी हैं, उनको मेकअप के बारे में कुछ आइडिया नहीं, तो वो मेरे वीडियो को देख के अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकती हैं। एंड आप हर मेकअप लुक के लिए मेकअप आर्टिस्ट के पास नहीं जा सकते हैं, एंड अगर आप जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। बट आप थोड़ा कोशिश करें कि कोरोना का जब तक वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक आप लोग खुद से अपना मेकअप लुक क्रिएट करें। तो ये रहा मेरे मेकअप लुक। और बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि मेरा मेकअप लुक कैसा लगा आप सभी को। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। तो यहाँ मैं प्राइमर के लिए ले रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस प्राइमर। काफ़ी अच्छा प्राइमर है, अफोर्डेबल प्राइस में आ जाता है अगर आप बिगनर्स हैं। और ये पोर को मिनिमाइज अच्छी तरीके से कर देता है, काफ़ी फ्लॉलेस स्किन बना देता है। तो डेफिनेटली इसे ट्राई करें। एंड मैं यहाँ आईब्रो को सेट करने के लिए वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पेंसिल ले रही हूँ, ब्राउन शेड में है। और इसे मैं अच्छी तरीके से अपना आईब्रो सेट कर लूँगी। और ब्राउन शेड में इसलिए पिक की हूँ कि मेरा आईब्रो नेचुरल दिखे, एंड मैं इस स्पूली की हेल्प से इसे कम कर लूँगी, जिससे मेरा आईब्रो अच्छी तरीके से सेट हो जाए, जो भी कलर है सब फिक्स हो जाए अपने जगह पे। एंड यहाँ मैं कंसीलर के लिए स्विस ब्यूटी का कंसीलर ले रही हूँ। काफ़ी अच्छा कंसीलर है, विंटर स्पेशल है। आप अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लें, प्राइमर लगा लें, उसके बाद आप इस कंसीलर को लगाएं तो ये आपकी स्किन पे काफ़ी फ्लॉलेस दिखने लगता है, एंड काफ़ी आपका मेकअप को ग्लोइंग बना देता है। तो मैं इसे ही ट्राई कर रही हूँ विंटर पर्पस से, एंड वेडिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा है। एंड मैं यहाँ एक ट्रांजेक्शन सेट अप्लाई कर ली हूँ, उसके बाद मैं येलो कलर पिक करूँगी अपने मेकअप रेगुलेशन की पैलेट से, एंड उसे क्रीज पे बिल्डअप करूँगी। ये है मेरे मेकअप रेगुलेशन का पैलेट, एंड इसे येलो कलर पिक कर रही हूँ और क्रीज पर अच्छी तरीके से बिल्डअप कर लूँगी। मैं ये साड़ी के अकॉर्डिंग कलर चूज की हूँ। एंड मैं यहाँ सेम पैलेट से ये पिंक शेड लूँगी, एंड इसे आउटर वी पे प्लेस करूँगी। यहाँ आउटर वी पे मैं डार्क ब्राउन या ब्लैक नहीं पिक की हूँ, क्योंकि हल्दी के लिए फ्लावरी टाइप का कुछ कलर है तो अच्छा लगता है ये सब। ब्लैक एंड ब्राउन कैजुअल हो या फिर वेडिंग पार्टी वगैरह हो तो उसके लिए अच्छा लगता है, बट यहाँ मैं पिंक कलर पिक की हूँ। सो आउटर वी को अच्छी तरीके से बिल्डअप कर लूँगी। मैं हल्का हल्का यहाँ टच दे रही हूँ, डार्क नहीं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ NYBA का आईलाइनर लूँगी और उसे अपना इनर कॉर्नर से लेके मेरी आईलिड तक अप्लाई कर लूँगी कुछ इस तरीके से। गोल्डन आईलाइनर है, काफ़ी अच्छा लगेगा अप्लाई करने के बाद। मैं ऐसे रेगुलर मेकअप में भी कभी कभी यूज़ करती हूँ। सो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आप सभी के साथ इस तरीके का लुक शेयर करूँ। सो अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टा पे नहीं फॉलो करते हैं तो फटाक से मुझे इंस्टा पे जाके फॉलो करें। इंस्टा का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। तो इस आईलाइनर को अपने ब्रश की हेल्प से, फ्लैट ब्रश की हेल्प से इस तरीके से फैला लूँगी। अब मैं यहाँ मेकअप रेगुलेशन का न्यूड पैलेट ले रही हूँ और यहाँ से सेम गोल्डन सेट को पिक कर रही हूँ, और जो मैंने आईलाइनर लगाया था उसके ऊपर थोड़ा सा प्लेस कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से शाइन करे और काफ़ी खूबसूरत दिखे मेरा मेकअप लुक। तो यहाँ मैं मेकअप लुक मैच्योर के तरह नहीं कर रही हूँ, एकदम फ्लावरी टाइप का कर रही हूँ, जो काफ़ी खूबसूरत लगेगा अगर आप हल्दी में क्रिएट करते हैं तो।
तो यहाँ मैं पिंक कलर लूँगी और इसे इनर कॉर्नर के लगभग मैं कुछ इस तरीके से प्लेस करूँगी ताकि मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो। तो आपको कुछ इसी तरीके से प्लेस कर लेना है जिससे आपका मेकअप लुक काफ़ी खूबसूरत दिखने लगेगा। जब तक आप इनर को थोड़ा टच नहीं करोगे मेकअप लुक में सेम के तरह ऊपर के तरह तो नहीं खूबसूरत दिखेगा। एंड येलो को मैं आउटर लोअर लैश लाइन पे प्लेस करूँगी कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ प्रेस कर दे रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। और यहाँ मैं लाइनर के लिए ब्लू हेवन का लाइनर ले रही हूँ और एक पतला सा विंग आईलाइनर ड्रॉ करूँगी कुछ इस तरीके से। एक्चुअली यहाँ हुआ क्या है कि मेरा आईलाइनर पूरा अच्छी तरीके से ख़त्म हो चुका है तो मैं जो लास्ट बचा है उसी को अप्लाई किए जा रही हूँ। तो देखते हैं इसे मेरा आईलाइनर अच्छी तरीके से लग जा रहा है या फिर मुझे दूसरा आईलाइनर निकालना पड़ रहा है। मैं एक बार में ही अपना टोटल मेकअप जो जो यूज़ होने वाला है उन सभी को निकाल के बैठती हूँ कि मैं लुक क्रिएट करके ही उठूँ। तो लग रहा है कि लग जाएगा इतना में। तो आपको भी इसी तरीके का एक आईलाइनर ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ मैं फाउंडेशन के लिए मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन 128 शेड ले रही हूँ। 128 मेरा इस शेड है और इसे डॉट डॉट करके पूरे फेस पे लगा लूँगी कुछ इस तरीके से। फेस एंड नेक दोनों पे लगाऊंगी ताकि सेम कलर लगे, फेस अलग और नेक अलग नहीं लगे। एंड मैं यहाँ एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी कुछ इस तरीके से। आपको फाउंडेशन ब्लेंड करना हो तो ब्यूटी ब्लेंडर का अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसे टैप टैप करके यूज़ करें और ब्रश का यूज़ कर रहे हैं तो ब्रश आप कैसे भी मूव करेंगे आपका फाउंडेशन एकदम फ्लॉलेस हो ही जाएगा और केकी नहीं होगा। तो मैं कहूँगी कि आप ब्रश का ही यूज़ करें। तो मैं आप सभी के लिए इस सीरीज में एक मेकअप किट भी आप सभी के साथ शेयर करूँगी जो बिगनर्स हैं एंड जिन जो अफोर्डेबल प्राइस में चाहते हैं वो भी अपना मेकअप किट परचेज कर सकते हैं। तो ये वीडियो कल या परसों तक आ जाएगा आप लोगों के बीच जब आप लोग ये वीडियो वॉच कर रहे होंगे। तो यहाँ मैं बेला उड का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ और उसमें जो पफ दिया है उसी की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ मैं कॉम्पैक्ट पूरे फेस पे अप्लाई कर ली हूँ। और अभी आप लोगों ने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर दे सब्सक्राइब एंड मेरे वीडियो को कर दे लाइक। लाइक से मैं मोटिवेट होती हूँ, लाइक से और कुछ नहीं होता है। मुझे जितना लाइक मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने अपना काम अच्छा किया है तो मुझे इतने लाइक मिल रहे हैं। तो अब मैं इसे ब्रश की हेल्प से भी अच्छी तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी जो कहीं भी हो अच्छे से छूटा हो एंड जो जहाँ ज़्यादा लग गया हो वो सब मिल जाए एक दूसरे में। तो यहाँ मैं फेसेस कनाडा का एक पैलेट ले रही हूँ और इसे ब्रॉन्जर शेड को पिक कर रही हूँ और अपने चीक को एंड फोरहेड को एंड जॉ लाइन को अच्छी तरीके से कंटूर कर लूँगी। यहाँ क्रीम कंटूर यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस मैंने ब्रॉन्ज कर लिया है अपने पूरे फेस को ताकि वो फेस डायमेंशन में लगे, एक फ्लैट फेस नहीं दिखे। अब मैं यहाँ अपने नोज़ को भी कंट्रोल कर लूँगी ताकि मेरा नोज़ थोड़ा पतला दिखे। यहाँ मैं मेकअप रेवोल्यूशन का न्यूड पैलेट ले रही हूँ, इसमें से जो पिंक बेबी पिंक शेड है उसे एज ए ब्लशर यूज़ कर रही हूँ। तो एक स्माइल करते हुए मैं ब्लश अप्लाई कर ले रही हूँ कुछ इस तरीके से।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि एक लाइक से मैं काफ़ी अधिक मोटिवेट होती हूँ, मुझे और बहुत सारे वीडियो बनाने के और भी इच्छाएं आती हैं। तो यहाँ मैं ब्लश लगा ली हूँ, अब मैं हाइलाइटर के लिए सेम पैलेट यूज़ करूँगी। काफ़ी वर्सेटाइल पैलेट है, इसमें तीनों आ जाते हैं, अलग अलग से पिक करना नहीं पड़ता। तो मैं प्रीफर करूँगी कि आप शुगर कॉस्मेटिक एंड फेसेस कनाडा तीनों में से किसी एक का पैलेट ले सकते हैं। तो मैं इसे चिक पे, बीज ऑफ नोज पे, क्यूपिक पे, चीन पे, फॉरहेड पे लगा ले रही हूँ, ब्रो बोन पे भी अप्लाई कर ली हूँ ताकि फेस ग्लो करे। विंटर में हाइलाइटर बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि विंटर में चेहरे काले पड़ने लगते हैं, चेहरे पे की चमक जाने लगती हैं सर्दियों के वजह से। तो इसी वजह से मैं हाइलाइटर ऐसे डेली बेसिस पे मेकअप में भी प्रीफर करूँगी। आप कोई अच्छे ब्रांड का हाइलाइटर यूज़ करें। और यहाँ मैं NYBA का लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, सिटकम स्पेशल शेड है, काफ़ी अच्छा लिपस्टिक है। इसे लगाने के बाद मेकअप और इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ मैं अब फॉल्सीज अप्लाई करूँगी, और मैं यहाँ फॉल्सीज लगा ले रही हूँ। मेरा ग्लू का कलर वाइट है, सो डोंट माइंड, आपके पास ग्लू का कलर अगर ब्लैक भी है तो यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ मैं अब NYBA का मस्कारा यूज़ करूँगी, काफ़ी अच्छा मस्कारा है, काफ़ी वॉल्यूमेबल मस्कारा है, आई लैसेस फेक नहीं लगेंगे, दोनों सेम इंक्लूड हो जाएंगे। एंड मैं लैसेस पे भी इसे अप्लाई कर लूँगी। तो अब मैं इनर कॉर्नर को भी हाईलाइट कर लूँगी, क्योंकि मैं वहाँ इनर कॉर्नर को हाईलाइट नहीं की थी, क्योंकि मुझे मस्कारा लगाना था एंड फॉल्सीज लगाना था। सो मैं इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर ली हूँ, और मैं अपना हेयर स्टाइल सेट कर रही हूँ। तो यहाँ मैं मांग टीका लगा ली हूँ, उसके बाद मैं पार्टीशन कर ली हूँ अपने साइड पार्टीशन हेयर का। एंड मैं अब हेयर को कर्ल कर लूँगी वेगा के कर्लर से, और यहाँ मैं अपने हेयर पर एक अच्छा सा सीरम अप्लाई कर लूँगी, उसके बाद ही कर्ल करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ अपने पूरे हेयर को कर्ल कर ली हूँ। अब मैं यहाँ वेट एंड वाइल्ड का मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी मैट फिनिश से। तो यहाँ मैं अब अपना ईयर रिंग डाल ले रही हूँ, ताकि मैं अपना हेयर अब कर्ल कर ली हूँ, मुझे हेयर में नहीं फंसेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे मेकअप का फाइनल लुक। तो बताइएगा ज़रूर कि ये लुक आप सभी को कैसा लगा, और ये लुक अगर आपके लिए यूज़फुल रहा तो आप ये लुक को रिक्रिएट करें। आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर माय ऑल फ्रेंड्स।